हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिनारेस्ट टैबलेट के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकेयर में। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है सिनारेस्ट न्यू, और नीचे आप देखेंगे ओवर 3 decades ऑफ ट्रस्ट। 3 decades मीन्स 30 years, मतलब 30 साल हो चुके हैं सिनारेस्ट टैबलेट को, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और नीचे आप देख सकते हैं एकदम लास्ट में, द नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड एंटी कोल्ड इन इंडिया। तो दोस्तों, अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं, पैरासीटामोल 500 mg, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट 2 mg। तो ये 3 कंटेंट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। पैरासीटामोल का जो यूज़ है वो नॉर्मल सर्दी, सिर दर्द और बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसके नीचे के अगर हम कंटेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों, फेनिलेफ्रिन जो होता है, इसका इस्तेमाल जुकाम में किया जाता है। इसका इस्तेमाल अलग अलग तरह के एनेस्थीसिया के दौरान ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इलाज में लिया जाता है। और दोस्तों, लास्ट कंटेंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्लोरफेनिरामाइन। क्लोरफेनिरामाइन का उपयोग जो होता है वो साइनस दबाव, साइनस कंजेशन, बहती नाक, गले और नाक की खुजली, पानी जैसी आँखें और ऊपरी श्वसन संक्रमण है, हाई फीवर है और एलर्जी के कारण छींकने के जो ये सारे लक्षण हैं, वो सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें आपको होती हैं, एक साथ हो रही हैं, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको इसके इस्तेमाल के 1 घंटे बाद ही आपको राहत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। और इसका आपको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है, 1 या 2 दिन में आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सुबह शाम इसको ले सकते हैं खाना खाने के बाद, और अगर नॉर्मल ही आपको प्रॉब्लम है तो आप रात को सोते समय खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है, जिनको इस दवा से एलर्जी है, इस दवा के कंटेंट से एलर्जी है, वो इस दवा के उपयोग से बचें। और जिन्होंने पिछले 14 दिनों के भीतर सोडियम ऑक्सीडेट और फुराजोलीडोन या मोनोमाइन ऑक्सीडेट इनहिबिटर ले रहे हैं, उनको इस दवा के इस्तेमाल से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लें। और श्वास संबंधी समस्याएँ जिनको हैं, वो अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श करें, उसके बाद ही इस दवा को लें। जिनको ग्लूकोमा की समस्या है, हृदय की समस्याएं हैं, लीवर रोग है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिनको है, वो इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लें। तो दोस्तों, अगर जिनको ये सारी समस्याएँ हैं वो इसका उपयोग ना करें, और जिनको ये समस्याएँ नहीं हैं जो मैंने बताया, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, ये सारी चीज़ें आपको होती हैं, आपको सर दर्द होता है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर ये सर्दी यानी कि कोल्ड फ्लू में आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस अराउंड 50 to 60 rupees के बीच में आपको 10 tablets देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये आप देख सकते हैं, ये सैंपल के तौर पर है, इसमें 4 ही गोली है, लेकिन आपको मार्केट में 10 tablets की आपको ये एक स्ट्रिप मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा आसानी से, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल मेडिकेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरी वीडियोज़ को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।